कॉलेज में बच्चे जाते हैं एक बार नामांकन के लिए, एक बार एडमिट कार्ड लेकर परीक्षा देने के लिए और तीसरी बार डिग्री लेने के लिए। तो पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है वो स्कूल से खिचड़ी बांटना और कॉलेज से डिग्री बांटना, यही इसका उद्देश्य है। पढ़ाई न कॉलेज में हो रहा है न स्कूल में हो रहा है, और इसके पीछे मूल जो कारण है कि शिक्षा व्यवस्था में शैक्षणिक संस्थाओं का, शिक्षकों का और बच्चों का जो समायोजन है, कहीं ना कहीं वही टूट गया है, चरमरा गया है। इसका असर ये हुआ है कि जहां पर विद्यालय है वहां पर शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक हैं वहां विद्यालय नहीं, वहां विद्यालय के लिए सुविधा नहीं है, और जहां दोनों है वहां बच्चे ही नहीं। समतामूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने के नाम पर हर जगह बिल्डिंग बना दिया गया, किसी ने इसकी चिंता नहीं की कि वहां शिक्षक है कि नहीं। कहीं जहां शिक्षक छूटे पड़े हैं वहां बिल्डिंग ही नहीं है। ये वित्त रहित विद्यालयों की हालत आप देखिए, सैकड़ों एकड़ जमीन समाज की दी हुई, वहां शिक्षक भी है, वहां जमीन भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, वहां बच्चे ही नहीं, सरकार का उस पर ध्यान ही नहीं। तो ये पूरी जो समायोजन टूटा है विद्यालयों का, शिक्षकों का और बच्चों का, उसकी वजह से ये पूरा शिक्षण व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। और मैं ऐसा मानता हूं कि नीतीश कुमार जी के 17 साल के शासन काल का जब इतिहास लिखा जाएगा तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने को उनके शासन काल का सबसे बड़ा काला अध्याय माना जाएगा। ऐसा इसलिए कि मान लीजिए कि सड़क आज टूट गई है, कल एक अच्छी सरकार आ जाए तो सड़क बन सकती है, लेकिन जो दो पीढ़ियां इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से निकल गई, अब जीवन भर कल एक अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी जीवन भर उनको अशिक्षित समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा, अब उनका जीवन कोई नहीं सुधार सकता। इसलिए ये नीतीश कुमार की सबसे बड़ी भूल या गलती है।